ऋषी पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत न्यास अन्य पापों का शमन के लिए किया जाता है। इस व्रत में सात ऋषियों के सहित देवी अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। व्रत विधि। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह प्रातः काल से मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाए। वह अपर मार्ग चिड़चिड़ा के दांतून करे, मिट्टी लगाकर स्नान करे। इसके बाद पंचगौ यानी दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र ले। तपश्चात घर आकर शास्त्र और विधान से किसी ब्राह्मण से पूजन आदि कराकर कथा सुने। इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस दिन प्राय लोग दही और साटी का चावल खाते हैं। खेत से जुते हुए अन्न का सेवन भी वर्जित है। दिन में एक बार ही भोजन का विधान है। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण भोजन कराकर प्रसाद चाहिए। सप्त ऋषि कश्यपाय नम, अत्रेय नम, भारद्वाजाय नम, विश्वामित्राय नम, गौतमाय नम, जगदग्ने नम, वशिष्ठाय नम, अंत में अरुंधते नम करके पूजन संपन्न करना चाहिए। कथा शास्त्रानुसार राजा शीतश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव देवश, मैंने आपके मुख से बहुत व्रत सुने। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपा करके आप उस व्रत को कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाशक है। राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी है। इस प्रसंग में महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उत्तुंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की एक भ्राया यानी कि पत्नी थी। वह पति सेवा में पारायण थी। सुशीला के गर्भ में दो संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने पेड़ धर्म आदि का अच्छा अध्यापन किया। उत्तम ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया, पर ये राजन पारद योग में वह कन्या विधवा हो गई। प्रतिधर्मा धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पिता के घर आकर समय व्यतीत करने लगी। उत्तम ब्राह्मण ने इस दुख से दुखी हो अपने पुत्र को घर पर छोड़ अपने पत्नी तथा पुत्र के साथ गंगा जी के तट पर जाकर निवाह करने लगा। यहाँ जाकर अपने शिष्यों से वेद और अध्यापन करने लगा। वह लड़की अपने पिता से सेवा शुश्रूषा करने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पिता की सेवा करते हुए थक गई और वह एक पत्थर पर जाकर सो गई। शयन करते करते ही उसके शरीर में कीड़े लग गए और सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरु पुत्री की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी होकर गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन कर गया, हे माते, हम पूछ नहीं जानते आपके उस संत चरित्र वाली आपकी पुत्री को क्या हो गया, उसकी ऐसी दशा क्यों हो रही है। आज उसका शरीर दिखाई नहीं देता, मात्र कुर्मिया ही कुर्मिया दिख रही है। माँ ने यह वचन वजगत से लगे। माँ तुरंत अपनी पुत्र के समग गई। पुत्र की ऐसी अवस्था को देखकर विलाप करने लगी, छाती पर हाथ पिटती हुई बोली, पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो अपनी पुत्री को आंचल से पोंछती हुई अपने कंधे को सहारा देती हुई इसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, देखिए यह अर्धरात्रि का समय है और यह सो रही थी। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण समाधि तो हो उस लड़की के पूर्व जन्म के पापों का देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में रजस्रवा होकर भोजन आदि पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगा दिया। उसी पाप का क्रमण के कारण उसका शरीर कीड़ों में ढक गया। हे प्रिय, रजस्रवा के समय श्री पापी होती है। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन
ब्रह्मघातनी तीसरे दिन धोबिन चौथे दिन शुद्ध होती है। उसी जन्म में अपने सखियों से ध्रुवसेन ने ऋषि पंचमी को वह देखकर भी उसका अपमान कर दिया था। दर्शन के प्रभाव वंश इसे पूर्व ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसे प्रभावी वध को हमें भी बताएं जिससे करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ब्राह्मण ने कहा, देवी ध्यान लगाकर सुने, यह वध तीनों प्रकार के पापों का नाश करते हैं। स्त्रियों का सौभाग्य प्रदान करने वाला है, धन सम्पत्ति प्रदान करने वाले, इस वध में संदेह करना नहीं चाहिए। अब मैं विधि बताता हूँ, व्रत संपूर्ण विधि। देवी पात्र पद शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अप्पा मार्का का दातुन कर मिट्टी के लेप से स्नान कर व्रत नियम को धारण करना चाहिए। तत्पश्चात सप्त ऋषियों का शास्त्रोक्त पद्धति के आधार पर पूजन करना चाहिए। ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे दो फल नैवेद्य लेकर इसके साथ अर्धदान करना चाहिए। उस समय सप्त ऋषियों कश्यपाशा नम, अंतरेय नम, भारद्वाजाय नम, विश्वमित्राय नम, गोत्रमाय नम, जगमदमने नम, वशिष्ठाय नम को नमस्कार कर अर्धदान कर बोले, हे ऋषि गण, कृपया मेरा अर्ध दान स्वीकार करे और प्रसन्न हो। अंत में अरुंधति नम करके पूजन संपन्न करना चाहिए। इस वर्ष से साग का भोजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्थान आदि जो फल प्राप्त किया वह सभी इस एकमात्र व्रत प्रभाव से मिल जाता है। जो इस व्रत को करता है वह सुख संबंध रूप सुपन पूर्ण काया से युक्त एवं पुत्र पुत्रादि आदो गुणों से सदा ही संपन्न रहते। इस लोक के सभी भोगों का भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पुराण ऋषि पंचमी की कथा चलो आगे हम सुनते हैं। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार सत्ययुग में शेनवित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। यह वेदों से पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह करता उसकी पत्नी वह वेदों पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जैसी सटी स्वाधी थी। वह खेती के कार्यों में अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वा अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का भी स्पर्श किया। देवयोग में पति तथा पत्नी का शरीर अंत एक साथ हो गया। रजस्रवा अवस्था में स्पर्श आदि का विचार न करने से श्री कृत्य और पति ने बेल की योनि में प्राप्ति किया, परंतु पूर्वजन्म के किए धार्मिक कर्म के कारण पूर्वजन्म से स्मृति उन्हें बनी रही। संयोग से वंश इस जन्म में अपने घर के साथ दो अपने पुत्र और पुत्रवधु के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता के भ्राति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के साथ के उद्देश्य से पति के कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कृतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो वो मर जाएंगे, सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उसे चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल कर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बेल की सारी घटना बताई। बेल ने कहा, आज तो मुझे भी खाने को नहीं दिया, जबकि सारे दिन मुझे से खेतों पर काम लिया। सुमति, हम दोनों का उद्देश्य साधक कर रहा है और हमें ही भूखा मार रहा है। इस समय इस तरह से हम लोगों के भूख के रह जाने से तो उनका साथ करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमति द्वार पर बैठा इन दोनों का वार्तावरण सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। जब
उसने जब ये बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। मेरे माता पिता इस निष्कुष्ट योनि में जन्मे है। वह दौड़ता हुआ उस ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाकर अपने माता पिता के इस योनि के पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान योग्य बल से सारा वृत्तांत जान लिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्र शुक्ल पंचमी का वध करो, उस वध के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएंगे। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का वध किया, जिस प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली। यह वध शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है।